जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरिया हमेशा से ही यूनिक और डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मूवीज और सीरीज लेकर ही आता रहता है, जिसमें से ऑल ऑफ अस आर डेड को तो हर कोई जानता ही होगा। सो गाइस, अगर तुम्हें ऑल ऑफ अस आर डेड बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, देन आई एम 100% श्योर कि जो सीरीज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो भी तुम्हें काफी पसंद आएगी। फर्क सिर्फ इतना सा है कि ऑल ऑफ अस आर डेड में ज़ॉम्बी ब्रेकडाउन हुआ था और इसमें घोस्ट का ब्रेकडाउन होने वाला है, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो कहानी की शुरुआत सोनियन स्कूल से होती है, जहाँ एक लड़की बस अपनी क्लास में घुसने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से लाइट्स ब्लिंक करने लग जाती हैं। सब जगह पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि उनके स्कूल में एक अदृश्य शक्ति जो एक डार्क स्पिरिट थी वो घुस गई थी। सारे स्कूल में भगदड़ मच जाती है, लोग सीढ़ियों से नीचे भागने लग जाते हैं, लेकिन डॉशिन नाम की एक लड़की उस डार्क स्पिरिट का सामना करने के लिए वहीं पर रुक गई थी। उसके साथ में एक लड़का भी होता है, वो दोनों मिलकर उसका सामना करने लग जाते हैं, लेकिन उसके आगे वो काफी वीक थे। वो दोनों ही इस पूरी शक्ति से हार जाते हैं, जिसके बाद हमें 10 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डूसीम अपनी ग्रैंड मदर के साथ भागते हुए एक स्कूल की तरफ जा रही थी, क्योंकि उसी डार्क स्पिरिट ने एक लड़के को अपने वश में जो कर लिया था, जो कि बिल्डिंग से सुसाइड करने के लिए जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसका फोन रिंग होता है, वो अपने होश हवास में आ चुका था और इतनी ऊंचाई पे अपने आप को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। जहाँ उसकी मॉम का फोन आया हुआ था, वो उससे बोल रही होती हैं कि लगता है कि इस बार तुम्हारे मार्क्स फिर से लो आए हैं, आखिरकार कब तक मुझे ऐसे सबके सामने शर्मिंदा करते रहोगे, तुम मर क्यों नहीं जाते। ये सुनते ही वो बोलता है कि लगता है मैं बस मरने ही वाला हूँ। जैसे उसकी मॉम ऊपर की साइड देखती है, वो जोर से चीखती है और उसे नीचे उतरने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ डूशिम की ग्रैनी भी एक शमन है, जो कि इविल स्पिरिट से लोगों को बचाती है, और वो भी उस लड़के को बचाने के लिए जा रही थी, लेकिन लिफ्ट में बहुत ज्यादा भीड़ थी तो वो स्टेयर से जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लग जाती हैं। लेकिन तभी उन्हें एक विदन से पता चलता है कि बहुत जल्दी उनकी मौत होने वाली है। ग्रैनी बहुत थक चुकी थी और इसलिए वो डूशिम को बोलती है, मेरा अंत अब नजदीक आ चुका है और आगे से ये सारा काम सिर्फ तुम्हें ही करना पड़ेगा। डूशिम बोलती है कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे आपकी और मॉम की तरह शमन वाली जिंदगी नहीं जीनी है। ग्रैनी उसे बहुत समझाते हुए बोलती है कि इविल स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को मारती है जिनके मार्क्स बहुत ही कम होते हैं, और उस डार्क स्पिरिट को सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। डूशिम बोलती है कि मैं ये आखिरी बार करूंगी और छत पे पहुंच जाती है। वो इविल स्पिरिट उसे देखते हुए बोलती है और हंसती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारी ग्रैनी आएंगी, लेकिन उन्होंने तो एक छोटे से पैकेट को भेज दिया। डूशिम ग्रैनी का सिखाया हुआ स्पेल बोलने लग जाती है, वो बहुत ज्यादा ट्राई मार रही होती है, लेकिन वो उस इविल स्पिरिट से हार जाती है। डार्क स्पिरिट उसके ऊपर हंसते हुए बोलती है कि तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो और फ्यूचर में हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, लेकिन अगर तुम इस लड़के की तरह मरना नहीं चाहती हो तो अपने ग्रेड्स पर ध्यान देना। ये बोलते ही वो लड़का बिल्डिंग से कूद जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है उसकी माँ के सामने ही, जहाँ तभी ग्रैनी स्पेल का यूज कर डार्क स्पिरिट को कैद कर लेती है। डूशिम बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही होती है कि वो उस लड़की को बचा नहीं पाई और बहुत रो रही होती है। वही डार्क स्पिरिट ग्रैनी से बोल रही होती है, भले ही तुमने अभी मुझे पकड़ लिया है, लेकिन कि मैं जैसे ही बाहर आऊंगी सबसे पहले तुम्हारी ग्रैंड डॉटर को एक दर्दनाक मौत दूंगी। जहाँ तभी उस लड़के की सोल भी पहुँच जाती है, ग्रैनी उसे कहती है कि मैं आखिरी बार तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाना चाहती हूँ। लेकिन तभी अचानक से कोई शख्स आता है और ग्रैनी को मार डालता है। वो अनजान शख्स उस डार्क स्पिरिट को अपने साथ में ले गया था। जैसे ही डॉसिन चीख सुनकर ग्रैनी के पास आती है, देखती है वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी थी। मरने से पहले ग्रैनी डॉसिन को समझाती है कि डार्क स्पिरिट से जीतने के लिए तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना होगा और अपने 18वें साल को जिंदा क्रॉस करना पड़ेगा, जिसके बाद ग्रैनी और उस लड़के की स्पिरिट साथ में चली जाती है। सीन शिफ्ट आता है, बहुत साल बाद दिखाया जाता है डॉसिन अब काफी बड़ी हो चुकी थी, जो कि अपनी ग्रैंड माँ के ग्रेव के सामने होती है। डॉसिन भी एक समन थी और इसलिए उसे आत्माएं दिखाई देती थी। जहाँ एक आत्मा उसे बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रही होती है, वो उस पर जोर से चिल्लाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिससे कि आसपास के लोग उसे घूरने लग जाते हैं और उसे पागल समझते हैं। वापस आते समय उसे उसकी मॉम मिलती है, जो उसे पूछती है कि क्या तुमने न्यू स्कूल में जाने के लिए ग्रैनी से ब्लेसिंग ले ली। डॉसिम की मॉम भी एक शमन थी, लेकिन डॉसिम उन्हें झूठ बोलते हुए कहती है कि मैंने आपको पहले ही कहा है ना कि मुझे भूत दिखाई नहीं देते और मेरे पास ये स्पेशल पावर नहीं है। लेकिन मॉम तो सब कुछ पहले से ही जानती है और बोलते हैं कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे चेहरे पर डर को साफ तौर पर देख सकती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पीछे जो आत्मा खड़ी है वो तुम्हें दिखाई दे रही है। मॉम डॉसिन को उसके न्यू स्कूल में छोड़ने के लिए जाती है, जो कि कोरिया का बेस्ट स्कूल था और इसका नाम शोयुन है। दोस्तों, ये वही स्कूल है जिसे हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा था।
जहां प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के साथ स्कूल का राउंड ले रहे होते हैं। साथ ही बोलते हैं कि इस बार बच्चों के मार्क्स काफी अच्छे आए हैं, लेकिन अब हर कोई टॉप तो नहीं कर सकता ना, जिसका साफ मतलब है कि कुछ बच्चे लास्ट भी आए होंगे। जहां तभी एक टीचर को देखकर प्रिंसिपल से न्यू एडमिशन के बारे में पूछते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि डॉसी मोदी है। बहुत ही रिलीजियस और शमन की फैमिली से बिलोंग करती है। वही दूसरी तरफ चेयरमैन की वाइफ मिस चांग को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटे वॉन्जू से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उसकी चिंता ही हमेशा उन्हें सताया करती थी। वैसे तो वॉन्जू हमेशा से स्कूल का टॉपर रहा है, लेकिन स्टिल उसकी मॉम को इविल स्पिरिट से बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि वो इविल स्पिरिट हमेशा उन्हीं बच्चों को मारती थी जिनके ग्रेड्स क्लास में या स्कूल में सबसे ज्यादा लो होते थे। और इसी चक्कर में मिस चांग ने डुशम की मॉम से फ्रेंडशिप की थी, क्योंकि वो एक शमन है और उन्होंने ही ट्यूशन की एडमिशन शोंगियो स्कूल में करवाई थी, ताकि ट्यूशन उनके बेटे वॉन्जू के साथ में रहे, क्योंकि वो भूतों को देख सकती थी, जिससे कि उनका बेटा सेफ रहेगा। ऐसा मिस चांग का सोचना था, लेकिन आगे क्या होने वाला था वो तो वो जानती ही नहीं थी। डॉशिम का स्कूल में आज पहला दिन था और वो काफी लेट हो चुकी थी। वही दूसरी तरफ क्लास में टीचर रिजल्ट अनाउंस कर रहे होते हैं, जिसमें हमेशा की तरह वॉन्जू ने ही टॉप किया था। जहाँ तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है, जैसे ही सारे बच्चे विंडो से बाहर झांक कर देखते हैं तो एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। ये वही बच्चा था दोस्तों जिसकी क्लास में सबसे कम मार्क्स आए थे। जहाँ तभी डॉसिम की एंट्री होती है, वॉन्जू तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो भी समझ चुका था कि यही डॉसिम है जिसका एडमिशन उसकी मॉम ने स्कूल में करवाया है। डुशन के फेसेस पे बहुत सारी चोटें लगी हुई थी, जिससे फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है कि स्कूल आते टाइम पर डुशन की मॉम पर एक इविल स्पिरिट ने हमला कर दिया था, जिन्हें बचाने के चक्कर में डोशन भी उस आत्मा से लड़ने लगी थी और उस आत्मा ने उसे उठा उठा कर यहाँ वहाँ फेंक दिया था, जिससे कि उसे चोट लग गई थी। यहाँ क्लास में सब उसका वेलकम करते हैं और ब्रेक टाइम में जो नाम की लड़की डोशन से मिलते हुए बोलती है कि वैसे तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन तक चल पाएगा, क्योंकि अगर तुम कम मार्क्स लाने वाली लड़की हुई तो मैं तुम्हें जल्द ही खो दूंगी। हमारे स्कूल में जिन भी बच्चों के सबसे ज्यादा लोएस्ट ग्रेड आते हैं वो रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है या फिर उन्हें मार दिया जाता है। ये सुनते ही डॉसी वहाँ से चली जाती है, जिसके जाते ही वो कहती है कि ये तो मेरी नौकरानी बनने के लायक ही है। सो एक बहुत ही सेल्फिश लड़की थी और वॉन्जू पे उसका क्रश था, हमेशा ही उसे लाइन मारती रहती थी। वही वॉन्जू को अपने बेस्ट फ्रेंड नामले की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि उसके मार्क्स भी स्कूल में बहुत लो आते हैं। बाकी के बच्चों का तो यही कहना था कि नेक्स्ट नंबर नामले का ही हो सकता है। वही एक टीचर वाइस प्रिंसिपल को आकर बताती है कि जिस बच्चे ने सुसाइड किया था उसकी मेंटल हेल्थ काफी स्ट्रांग थी और उसकी फैमिली के साथ उसके रिश्ते भी अच्छे थे, जिसका साफ तौर पे मतलब है कि उसका मर्डर हुआ है, लेकिन कैसे ये बात वो नहीं जानते थे। वाइस प्रिंसिपल मैम को धमकाते हुए बोलती है कि ये केस फैमिली ड्रामा का लगना चाहिए, कि उस बच्चे के मार्क्स बहुत ही ज्यादा लो आए थे और इसलिए उसकी फैमिली ने उसे डांटा, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके स्कूल की बदनामी हो। ये सब कुछ होते हुए डॉसिम के टीचर भी देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉसिम छुपते छुपाते हुए अपने घर पहुंच जाती है, क्योंकि वो लोगों को ये पता नहीं लगने देना चाहती थी कि वो एक शमन की बेटी है, जिसका मेन कारण था प्रेजेंट सोसाइटी में लोगों का शमन के साथ में फ्रेंडली नेचर ना होना। मॉम सिम से उसके फर्स्ट डे के बारे में पूछ रही होती है, जहां वो कहती है कि आज एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। साथ ही अपने बचपन के सारे दिनों को याद कर रही होती है, जब क्लास के बच्चे उसे शमन शमन कहकर बहुत ही ज्यादा टीज किया करते थे और उसे काफी परेशान करते थे। जैसे ही सिम अपने रूम में पहुंचती है, बोलती है कि मुझे तंग करना बंद करो और प्लीज यहाँ से निकल जाओ। साइड में हम जैंग की आत्मा को देखते हैं, जो कि वही लड़का है दोस्तों जिसने स्टार्टिंग में बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था। जैंग उससे हेल्प मांग रहा होता है, क्योंकि सिम की मॉम ने उसे बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो उसका यूज पैसे कमाने में जो किया करती थी, लोगों की बॉडी में उसे भेजती थी और फिर शमन बनकर उन्हें वापस निकाल लेती थी और ऐसे वो बहुत सारा पैसा कमाती थी। जैंग भी उनके साथ में इसीलिए था क्योंकि वो अपनी मॉम से मिलना चाहता था और यही उसकी आखिरी इच्छा थी। जैंग बेचारे को तो अपनी मॉम की शक्ल भी याद नहीं थी, लेकिन सिम ने उसकी मॉम को देखा था और इसलिए उसे जैंग हेल्प मांग रहा था। वहीं दूसरी तरफ में चैंग अपने बेटे वॉन्जू को डोसन के बारे में बताते हुए बोल रही होती है कि वो एक शमन की बेटी है जिसके पास सुपरनैचुरल पावर है, जिससे कि वो इविल स्पिरिट्स को देख सकती है। जब भी तुम्हें उसकी जरूरत पड़े तो उसे यूज कर लेना। लेकिन वॉन्जू को इन सब में बिलीव नहीं था, साथ ही बोलता है कि डोसन की मॉम ने उसका एडमिशन यहाँ पर यही सोचकर करवाया होगा कि वो यहाँ पर लोगों को लूट सकती है, क्योंकि अभी आपने ही कहा था कि वो काफी लालची है, इसलिए मॉम आपको भी उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डे क्लास में जो स्टडी के बहाने वॉन्जू पे लाइन मार रही होती है,
जोसेम भी वहीं पर होती है जिसे सारे बच्चे मिलकर बहुत ही ज्यादा बुली कर रहे थे। जहाँ पर तभी वॉन्चो आकर उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कुछ सुपरनेचुरल पावर है, तो हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि हमारे बीच में कोई मैच है या नहीं। सारे बच्चे उसे टीज कर रहे थे जिससे कि वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। साथ ही उसे ग्रहणी की एक बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि 18 ईयर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर तुमने उसे सरवाइव करके अच्छे से निकाल लिया तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। डॉसिम सैड होकर वहां से जाने लग जाती है, लेकिन तभी वॉन्चो आता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। सारी क्लास ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और ज़ू तो पूरी तरह से जल भुन जाती है। वॉन्चो उसे बोलता है डॉसिम प्लीज मत जाओ, लेकिन दोस्तों असल में उसके अंदर ग्रहणी की आत्मा होती है। वो उसे समझाते हुए कहती है कि जिस इविल स्पिरिट से बचपन में तुम्हारा सामना हुआ था वो दोबारा से आजाद हो चुकी है और उसके पीछे स्कूल के ही किसी इंसान का हाथ है, जिसका साफ मतलब था कि उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। वही स्कूल के सारे बच्चे डॉसिम और वॉन्चो को देख रहे होते हैं जो कि ग्राउंड में ही खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद इनकी लव स्टोरी चल रही है। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था, जहाँ अचानक से वही डार्क स्पिरिट आती है। वॉन्चो वही बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो डॉसिम पर भी अटैक करती है और वो भी अनकॉन्शियस हो जाती है। जहाँ पर तभी प्रिंसिपल आते हैं और उस आत्मा को कैद कर लेते हैं। वॉन्चो और डॉसिम दोनों ही नर्सिंग रूम में होते हैं। जैसे ही वॉन्चो को होश आता है सैंग की घोस्ट को देखता है। जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है कि सैंग एक भूत है, वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है, यहाँ पर भागने लगता है, जिसका ब्लेम वो डॉसिम के ऊपर डालते हुए बोलता है जरूर तुमने ही मुझे कुछ किया होगा। लेकिन डॉसिम भी वहाँ पर स्टाइल में ये बोलकर निकल जाती है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। डॉसिम का जाते हुए प्रिंसिपल ने भी देख लिया था। वो उस इविल स्पिरिट से एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगता है, जिसके बारे में गाइस आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो सैंग को बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है कि वो वहाँ पर क्यों आया था। वॉन्चो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था। सैंग भी उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे तो बस तुम्हारी चिंता थी और इसलिए मैं आया था, लेकिन तुम्हें वॉन्चो की चिंता क्यों हो रही है, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लग गई। डॉसिम उसे डांट कर चुप करवा देती है। वही जैसे ही वॉन्चो अपने घर पहुंचता है वो अपनी मॉम के पीछे एक आत्मा को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वॉन्चो सीधा भागते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड नामली के पास आता है और उसे बताने लग जाता है कि वो सारी आत्माओं को देख सकता है और उसे भूत दिखाई दे रहे हैं। नामली उस पर जोर जोर से हंसते हुए बोलने लग जाता है कि शायद तुम पागल हो गए हो। वॉन्चो के साथ में ये सब कुछ इसलिए हो रहा था, वो आत्माओं को इसलिए देख पा रहा था क्योंकि ग्रहणी की आत्मा जो उसके अंदर आई थी। वॉन्चो सीधा भागते हुए डॉसिम के पास आता है, उसे बोलता है कि जरूर तुमने ही मेरे साथ कुछ किया है, साथ ही उसे बहुत सारे पैसे देकर बोलता है कि मुझे बस पहले जैसा कर दो। डॉसिम को उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसे घर से बाहर निकालते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, बस इतने में ही तुम्हारा ये हाल हो गया, सोचो मुझ पे क्या बीतती होगी क्योंकि मुझे तो हर रोज ही इन सब का सामना करना पड़ता है। वॉन्चो को अभी भी उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था, तो इसलिए बोलता है कि मैं भी एक बार तुम्हारी दुनिया को देखना चाहता हूँ। डॉसिम अपने हाथों को रब करके वॉन्चो के फेस पर रखती है और जैसे ही उसकी आईज ओपन होती है वो अपने आसपास के सारे भूतों को देखने लग जाता है। वो उन सबको महसूस कर पा रहा था, उनकी आवाज़ों को सुन पा रहा था, जिससे कि काफी बुरी तरह से डर जाता है और डॉसिम का हाथ पकड़ लेता है। जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि इन सब ने मुझे खेल लिया और अब मुझे क्या करना चाहिए। डॉसिम कहती है कि अगर जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। वॉन्चो वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है, जिसके जाते ही डॉसिम सोच में पड़ जाती है कि उसने सही किया या फिर नहीं। वॉन्चो भागता हुआ एक बस में जाकर छुप जाता है। वैसे तो वह बस पूरी की पूरी खाली थी, लेकिन देखते ही देखते अचानक से वहाँ पे बहुत सारे भूत आ जाते हैं, यानी कि अब वॉन्चो के पास भी वो सुपरनेचुरल पावर आ चुकी थी जिससे कि वो अपने आसपास की स्पिरिट्स को देख सकता था। और इसी चक्कर में वो नेक्स्ट डे स्कूल पे नहीं आता, जिसका दोष सब लोग डॉसिम को ही देने लग जाते हैं कि पक्का ही सीनियर्स के साथ में रात के टाइम पे कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। सूबी वॉन्चो के बारे में सिम से पूछ रही होती है, लेकिन वो कहती है कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। वहीं दूसरी तरफ डॉसिम के टीचर प्रिंसिपल के पास पहुंचे हुए होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि इस बार के एग्जाम वो कैंसिल करवा दें, क्योंकि जैसे ही एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं लास्ट आने वाला बच्चा रहस्यमय तरीके से सुसाइड कर लेता है। लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात नहीं सुनते, बोलते हैं कि ऐसे तो स्कूल की रेपुटेशन ही खराब हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मिस चैंग के कहने पर डॉसिम की माँ उसको लेकर वॉन्चो के घर जाती है। मिस चैंग बहुत ही रो रही होती है क्योंकि उनका बेटा बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। डॉसिम की मम अपना सारा शमन वाला सामान रखकर अपने रिचुअल्स परफॉर्म करने ही वाली होती है, लेकिन तभी डॉसिम उनको बोलती है कि मामा बाहर जाइए, मैं इसे बहुत ही अच्छे से संभाल लूंगी।
जैसे ही वो वहाँ जाती है, देखती है कि बहुत सारे स्पिरिट बेचारे वोंजो को परेशान कर रही होती है। टॉसिम सबको एक एक करके वहाँ से भगा देती है। रूम पूरी तरह से खाली हो जाता है, कोई भी स्पिरिट वहाँ पर नहीं थी। ये देख कर वोंजो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। टॉसिम भी फिर उसे टीज करते हुए बोलती है कि इतनी ज्यादा स्पिरिट तो किसी नए शमन को भी दिखाई नहीं देती जितनी तुम्हें दिख रही है। वोंजो भी बहुत ज्यादा खुश होता है और उसका थैंक यू करने लग जाता है। और अपने बच्चों को ऐसे खुश देखकर दोनों मॉम्स भी काफी खुश हो जाती हैं। जिसके बाद वोंजो टॉसिम को अपने साथ में नामली के पास ले जाता है, जिसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है। क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था और ना ही वो स्टडी में अच्छा था, और इसलिए वोंजो हमेशा ही उसकी हेल्प करता रहता था। जहाँ पर तभी टॉसिम को स्पिरिट्स के होने का एहसास होता है, और वहाँ भी कोई और नहीं बल्कि नामली के मॉम डैड की आत्मा होती है, जो कि सालों पहले मर चुके थे। वो टॉसिम से कहते हैं कि वो अपने बेटे को मेहनत करके पास होते हुए देखना चाहते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉसिम की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि ग्रहणी के बारे में सोच रही थी। जहां का इस समय ये पता चलता है कि ग्रहणी ने ही मॉम को टॉसिम का ट्रांसफर सोयुन स्कूल में करने के लिए कहा था, क्योंकि उस सीवर स्पिरिट ने सोइंग स्कूल पर ही पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है, जिसे सिर्फ टॉसिम ही लड़ सकती है। मॉम के ये बोलने पर कि वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, टॉसिम उससे अकेले नहीं लड़ पाएगी, ग्रैनी बोलती है कि वो अकेली नहीं है, कोई है जो उसका साथ देगा। वापस आते टाइम वोंजो के ये पूछने पर कि क्या स्पिरिट इंसानों और चीजों के अंदर जा सकती हैं, टॉसिम बोलती है कि हाँ, सिर्फ वही स्पिरिट जा सकती हैं जिनके अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी हो। जहाँ पर तभी एक टेडी बियर की आईज भी ब्लिंक होने लग जाती है, जिसके बाद वो सिम को ये बोलकर हग करने लग जाता है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें हग किया था तो उस टाइम मेरे अंदर मैं नहीं था और इसलिए मुझे वो फीलिंग याद ही नहीं है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने पूरे कॉन्शियस के साथ में हग कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें फील कर सकूँ। टॉसिम को तो ये सब कुछ काफी अजीब लग रहा था, लेकिन यहाँ हम समझ पाते हैं कि वोंजो उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करने लग गया था। नेक्स्ट डे एग्जाम के टाइम में नामली सो जाता है, लेकिन टॉसिम उसे उठा देती है, जिसके बाद वोंजो और टॉसिम आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वोंजो को यहाँ पे नामली की चिंता हो रही थी कि उसके मार्क्स अच्छे आएंगे या फिर नहीं, लेकिन वोंजो को ये सोचकर थोड़ा सा सुकून मिलने लग जाता है कि उसने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नामली को बता दिए थे। साथ ही वो टॉसिम को बताता है कि मैंने कल आत्माओं से बात की थी, मैंने उन सबकी सारी कहानियां सुनी, जैसे कि मुझे ये जानकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि इसमें तो उन लोगों की कोई गलती ही नहीं थी, और इसलिए मैं अब अपने स्कूल के बच्चों को इस तरह से मरने नहीं दे सकता। लेकिन टॉसिम अभी भी इन सब के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि वो बचपन से ही कोई शमन नहीं बनना चाहती थी। बचपन से ही उसे ऐसा लगता है कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा पाएगी। लेकिन वोंजो, जिसे अभी कुछ टाइम पहले भूतों और आत्माओं पे बिल्कुल यकीन ही नहीं था, ना ही वो इन सबको सच मानता था, वो अब बेमौत मारे जाने वाली सारी आत्माओं के दर्द को समझ पा रहा था और इस डार्क स्पिरिट को हराना चाहता था, वो उसे लड़ना चाहता था। जैसे ही फिर टॉसिम अपने घर पहुँचती है तो वहाँ पर उसे ऑलरेडी जू मिल जाती है। जू जान चुकी थी कि टॉसिम एक शमन की बेटी है। टॉसिम बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी ये बात स्कूल में किसी को भी पता चले। जू भी बहुत ज्यादा शातिर थी, वो टॉसिम से ये वाली डील करने लग जाती है कि अगर वो वोंजो से दूर रहेगी तो जू भी उसके शमन वाले राज को राज रखेगी। जहाँ होता भी कुछ ऐसे ही है, नेक्स्ट डे से ही टॉसिम वोंजो को इग्नोर करने लग जाती है। रात के टाइम में वोंजो जा रहा होता है, जहाँ तभी उसे जू मिल जाती है और वो उसे कहता है कि प्लीज मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। ये जाने के बाद कि वोंजो टॉसिम से मिलने के लिए जा रहा है, जू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर। वहीं दूसरी तरफ वोंजो टॉसिम से हेल्प मांग रहा होता है, क्योंकि कल रिजल्ट आने वाले थे और वोंजो को इस बात का डर था कि कहीं उसका बेस्ट फ्रेंड नामली लास्ट ना आ जाए। लेकिन टॉसिम उसकी हेल्प करने के लिए साफ साफ मना करने लग जाती है, बोलती है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और मुझे इन सबसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जू ने टॉसिम की शमन होने वाली बात पूरे स्कूल में फैला दी होती है, जिससे कि सब लोग उस पे हंस रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। जैसे ही फिर टीचर क्लास में आते हैं, सब लोग शांत हो जाते हैं और रिजल्ट अनाउंस करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि सबसे कम मार्क्स नामली के आए हैं, यानी कि वही सबसे लास्ट था। वोंजो को नामली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसे बोलते हुए मार रहा होता है कि मैंने तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझाया था और साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए थे और उसके बाद भी तुम फेल क्यों हो गए। नामली मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं चीटिंग नहीं करना चाहता था और ना ही मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट है। दोनों के बीच में क्यूट फाइट चली रही होती है। वोंजो बहुत ही ज्यादा सैड होता है, जहाँ पर तभी अचानक से वो डार्क इविल स्पिरिट पहुँच आती है और नामली पर बस हमला करने ही वाली होती है, जिसे वोंजो ने भी देख लिया था। वहीं टॉसिम भी क्लास में बैठी बैठी नामली के बारे में ही सोच रही होती है, जहां उसे ये रियलाइज होता है कि वो उसे ऐसे मरने नहीं दे सकती और इसलिए उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है।
जैसे ही प्रिंस पल्लू इविल स्पिरिट को छोड़ देता है, वो भागती हुई सीधा नामली को मारने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन बीच में डॉसिम आ जाती है, वो सिविल स्पिरिट को रोक रही होती है, नामली को वहां से भागने के लिए कहती है। डॉसिम और उस सिविल स्पिरिट के बीच में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन इसमें डॉसिम हार जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वॉन जो अपने दोस्त को लेकर भागता है और वो लोग सीधा एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं, जहां वो सुकून की सांस तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि वहां एक बंदे कोई डार्क स्पिरिट ने ऑलरेडी अपने वश में रखा हुआ था। वो वॉन्जो और नामली दोनों को मारने लग जाता है, लेकिन वॉन्जो को ये कहते हुए छोड़ देता है कि मेरे निशाने पर तुम नहीं बल्कि ये नामली है जिसकी लो रैंकिंग है और इसलिए मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन वॉन्जो वहां से नहीं हट रहा होता है। जहां पर तभी डॉसिम पहुंच जाती है, वो इवन स्पिरिट उसे देखकर जोर जोर से हंसती है, बोलती है कि मेरे सामने तुम बिल्कुल वीक हो और तुम वैसे भी अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन डॉसिम भी बहुत ज्यादा स्मार्ट थी, वो अपने साथ में बहुत सारी आत्माओं को लेकर आई थी। ये सारी वही आत्माएं थी जिनसे वॉन्जो ने एक रात पहले ही बात की थी और उनके दुखड़े को सुना था, इसलिए वो वॉन्जो की हेल्प करने के लिए वहां पे पहुंची हुई थी। जिसके बाद उन सब में जबरदस्त फाइट होती है और फाइनली वो लोग नामली को बचाकर वहां से ले आते हैं। डॉसिम भी जान चुकी थी कि ये डार्क स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे उसका बचपन में सामना हुआ था और इसने सैंग को मारा था। वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इस डार्क स्पिरिट को रिहा किसने किया होगा, लेकिन वो तो जानते ही नहीं थे कि इन सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल हैं। वही नामली भी भूत प्रेत और स्पिरिट्स की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर चुका था। डॉसिम नामली और वॉन्जो को अपने घर ले जाती है। नामली के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उससे शौक में जा चुका था और उसे वॉन्जो और डॉसिम की बातों पर यकीन भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहां से जाने लग जाता है। लेकिन डॉसिम उसे ये बोलते हुए रोक लेती है कि तुम्हारे एक पैर की उंगली छोटी है क्योंकि तुम पैसे बचाने के लिए छोटे जूते खरीदते थे और एक बार तुम्हें डॉग ने भी बाइट किया था। साथ ही बोलती है कि तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे क्योंकि लास्ट टाइम वो तुम्हें पिकनिक पर ले जा नहीं पाए थे जहां जाने का तुम्हारा बहुत ज्यादा मन था। नामली ये सब कुछ जानकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि ये सारी बातें तो वो और उसके फादर ही जानते थे। डॉसिम के ये कहने पर कि वो उसके पापा की रूह से मिल चुकी है और वो चाहते हैं कि नामली हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे। नामली को बचाते बचाते ही उसकी डैड की मौत हो गई थी और इसलिए नामली हमेशा ही खुद को इस बात का दोष देता रहता था। नामली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वॉन्जो उसे संभाल लेता है। डॉसिम उसे समझाते हुए बोलती है कि जो जिंदगी तुम्हें मिली है उसके लिए तुम्हें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। जिसके बाद वॉन्जो डॉसिम दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ वॉन्जो बोलते हैं कि मैं ये तो नहीं जानता कि नामली के साथ में मेरा रिश्ता गहरा है फिर या नहीं, लेकिन वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसे खो नहीं सकता। ये सुनते ही डॉसिम उसे बताती है कि तुम दोनों ये जन्म में इतने अच्छे दोस्त इसलिए हो क्योंकि पास्ट लाइफ में तुम दोनों भाई बहन थे। ये जाने के बाद तो वॉन्जो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि डॉसिम पास्ट लाइफ भी देख सकती है। साथ ही बोलता है कि फिर तो मैं जरूर भाई रहूंगा क्योंकि मैंने हमेशा से ही उसकी केयर की है। जहाँ डॉसिम हंसते हुए बोलती है कि नहीं तुम उसकी छोटी बहन थी। ये सुनते ही वॉन्जो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि ठीक है जो भी है ये बात प्लीज नामली को मत बताना वरना मुझ पे बहुत ज्यादा हंसेगा। साथ ही उससे कहता है कि अगर तुम पास देख सकती हो तो इसका मतलब कि तुम फ्यूचर भी देख सकती होगी। डॉसिम उसे बोलती है कि अपनी आईज क्लोज करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सब कुछ अंधेरा होगा ना, जिसका साफ मतलब है वॉन्जो कि हम फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। हमारा फ्यूचर हमेशा हमारे प्रेजेंट पर डिपेंड करता है, यानी कि जो कुछ भी हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में करते हैं उसी से हमारा फ्यूचर बनता है। वॉन्जो भी मुस्कुराते हुए बोलता है लेकिन जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे हमेशा तुम ही दिखाई देती हो, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरे फ्यूचर में हम दोनों साथ होने वाले हैं। ये बोलकर वो मुस्कुराने लग जाता है। लेकिन वहाँ पर तभी वॉन्जो की मॉम पहुँच जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है क्योंकि स्कूल में आज जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उन्हें पता चल गया था। वीडियो में देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका बेटा वॉन्जो पागल हो गया है जो कि डॉसिम और नामली के साथ काफी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली डार्क स्पिरिट कैमरा में कैप्चर नहीं हुई थी और इसलिए उन्हें ये सब कुछ लग रहा था। डॉसिम की मॉम को वो बहुत जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलते हैं कि सब कुछ तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की वजह से ही हो रहा है, मेरे बेटे से दूर रहना। ये देखते ही डॉसिम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वॉन्जो और उसकी मॉम को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। वहीं दूसरी तरफ नामली जब अपने घर जा रहा होता है तो वही डार्क स्पिरिट दोबारा से उसको अपने वश में कर लेती है। डॉसिम और वॉन्जो को भी ये इस बारे में सब कुछ पता चल चुका था, जिसके बाद डॉसिम ग्रैनी की स्पेशल एक्स निकालती है जिससे ग्रैनी सारी बुरी आत्माओं का खात्मा किया करती थी और वो नामली को बचाने के लिए पहुंच जाती है। वो सीधा वहां पे पहुंचते हैं नामली को बचाने के लिए। वो लोग उसे रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो डार्क स्पिरिट नामली को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। जैसे वो लोग नामली के पास पहुंचते हैं नामली की आत्मा बाहर निकल चुकी थी, यानी नामली मारा जा चुका था।
जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही डॉसिम नामले की बॉडी के पास जाती है, उसकी सांसें अभी तक चल रही थी, सैम भी वहाँ पर मौजूद होता है और इसलिए डॉसिम उसे बोलती है कि नामले की बॉडी में जाकर नामले को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। जैंग नामले की बॉडी में इसलिए जा पाया था क्योंकि उसके पास स्पेशल एबिलिटी थी। नामले की बॉडी को सेफ रखना उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वरना नामले को दोबारा से वो लोग जिंदा नहीं कर पाएंगे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो इवल स्पिरिट प्रिंसिपल के काबू से भी बाहर होती जा रही थी और उनके वश में नहीं आ पा रही थी, जिससे प्रिंसिपल काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे दिखाया जाता है वोंजो की मॉम प्रिंसिपल के पास में पहुंची हुई होती हैं, क्योंकि वो डॉसिम का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में जो करवाना चाहती थी ताकि डॉसिम उनके बेटे वोंजो से दूर रह सके, क्योंकि वो एक शमन थी। लेकिन डॉसिम भी ये कहते हुए मना करने लग जाती है कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। जहाँ वोंजो भी उसका पूरा पूरा साथ दे रहा था और हर वक्त वो डॉसिम के साथ में ही खड़ा हुआ था, जिससे कि प्रिंसिपल भी फिर उसे लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देते हैं, जिसके बाद प्रिंसिपल टीचर को मॉक टेस्ट लेने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर कर रहे होते हैं, जिससे कि टीचर को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। जिस बात से सोहा नाम की लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो हमेशा सेकंड लास्ट जो आती थी, लास्ट आने वाले बच्चे ऑलरेडी मर चुके थे और इस बात को उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, जिससे कि वो वॉशरूम में सुसाइड करने के लिए पहुंच आती है। डॉसिम को भी इस बात की खबर पहुंच चुकी थी और इसलिए वो उसे बचाने के लिए सोहा के फेवरेट वेबटून कैरेक्टर के थ्रू उससे बात करने लग जाती है, जो कि सोहा को बहुत ही ज्यादा पसंद थे, और इसलिए वो अपनी जान लेने का प्लान ड्रॉप कर देती है और डॉसिम की बात मान जाती है। वो एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट बनना चाहती थी और यही बात डॉसिम उसे समझाती है कि तुम एक दिन जरूर बन जाओगी, और उसे काफी हिम्मत देती है, जिससे कि सोहा को भी अपने अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है, सैंग डॉसिम से मिलने के लिए उसके घर के पास पहुंचा हुआ होता है, जो कि उसे बताता है कि उस इविल स्पिरिट को कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके स्कूल में से ही कोई है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सैंग की मेमोरी बहुत ज्यादा वीक थी और इसलिए उसे अपनी माम का चेहरा भी याद नहीं था, वो भूल जाता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि डॉसिम का प्रिंसिपल ही है। वहीं दूसरी तरफ वोंजो जब क्लास में बैठा हुआ होता है तो उसे अचानक से विजन्स आने लग जाते हैं, उन सारे बच्चों के जिन्होंने अपनी जान ली थी, जिसमें डॉसिम भी शामिल थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, साथ ही उसे स्कूल के नीचे बेसमेंट में बने एक सीक्रेट रूम के बारे में भी अपने विजन से सब कुछ पता चल जाता है, जिसके बाद वो डॉसिम को भी ये सब कुछ बताने लग जाता है और उसे लेकर मेंटोर के पास पहुंच जाता है। डॉसिम और वोंजो के मेंटोर सब कुछ अच्छे से जानते थे और सब कुछ समझते थे कि उनके स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर हाल में उन्हें उस डार्क स्पिरिट को हराना था और इसलिए वो भी उनका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही वो तीनों रात के टाइम पर बेसमेंट के उस रूम के पास पहुंचते हैं, वो लॉक था। वोंजो से बहुत खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो खुलता ही नहीं है, जिसके बाद जैसे तैसे करके फाइनली वो रूम को खोल लेते हैं और जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं, ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि वहां पर स्कूल के सारे उन लो रैंक वाले बच्चों की आत्मा को बंदी बनाकर रखा हुआ था जिन्होंने खुदकुशी की थी। एंड लिटरली गाइस, ये मंजर बहुत ही ज्यादा डरावना था, जिसे देखते ही मुझे बहुत ज्यादा गूज़बम्प आ गए थे। वेल तो वोंजो और डॉसिम भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन पर पीछे से हमला होता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि उनके क्लास टीचर ने ही उन पर किया था, क्योंकि डार्क इवल स्पिरिट ने उन्हें अपने वश में जो कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ जैंग भी स्कूल में पहुंचा हुआ था, जिसने नोटिस बोर्ड पर प्रिंसिपल की फोटो को देख लिया था और उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो जोर जोर से डॉसिम को सच्चाई बताने लग जाता है, जहां पर तभी वो डार्क स्पिरिट आती है और उस पर हमला करने लग जाती है और वो अचानक से गायब हो जाता है। डॉसिम उसे देखकर बहुत रोने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब जैंग हमेशा के लिए गायब हो चुका है और उसने उसे उसकी मॉम से मिलाने का प्रॉमिस भी किया था। डॉसिम का खून बहुत बुरी तरह से खाने लग जाता है, लेकिन वोंजो उसे शांत कराते हुए कहता है कि हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है और इसलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे एग्जाम होने वाला था, लेकिन क्लास टीचर उसे कैंसिल कराने के लिए प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बेसमेंट में कैद मासूम बच्चों की उन सारी आत्माओं को देख लिया था और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि अभी दोबारा हो। लेकिन प्रिंसिपल तो उल्टा उन्हें ही धमकी देते हैं और बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वोंजो और डॉसिम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुके थे, वो हर हाल में उस डार्क स्पिरिट को हराना चाहते थे और एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आ जाते हैं और उनके बीच में इनकी पहली किस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सब लोग एग्जाम दे रहे होते हैं, जहां डॉसिम सोहा से आंसर शीट एक्सचेंज करने लग जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि सोहा लास्ट आने वाली है और वो उसे मरने नहीं दे सकती थी और इसलिए वो अपने आप को लास्ट लाना चाहती थी। वोंजो भी सबको जान चुका था, क्योंकि उसने अपने विजन में देखा था कि डॉसिम भी उन बच्चों में शामिल होने वाली है और इसलिए
वो उसे मरने नहीं देना चाहता था। जोर जोर से शोर मचाकर बोलता है कि ये दोनों चीटिंग कर रहे हैं। डॉसिम को उसकी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसे झगड़ा करने लग जा रही है। बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, सुहा का अब क्या होगा। सुहा भी वहाँ पे बहुत ज्यादा रो रही होती है। लेकिन दोस्तों कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब रिजल्ट अनाउंस्ड होते हैं, और इस बार लो रैंकिंग वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि वॉन्जो होता है। वॉन्जो नहीं चाहता था कि कोई और मरे, इसलिए उसने खुद को ही सैक्रिफाइस कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक टॉपर है तो वो जानता था कि कौन से आंसर सही होने वाले हैं, और इसलिए जानबूझकर उसने सारे गलत आंसर लिखे थे जिससे कि वो लो रैंकिंग में पहुंच जाए। ये जाने के बाद सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि वॉन्जो जो कि टॉपर है वो इतनी लो रैंकिंग में कैसे पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में जैसे ही ये बात प्रिंसिपल को मालूम पड़ती है, वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो डार्क स्पिरिट को रोकते हैं, क्योंकि अब उसका अगला निशाना वॉन्जो ही होने वाला था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वो इविल स्पिरिट अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, वो प्रिंसिपल की बात नहीं सुनता और वॉन्जो को मारने के लिए पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉसिम बहुत ज्यादा दुखी होती है, सैड होती है, वॉन्जो को काफी सॉरी बोलते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई और तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो। वॉन्जो भी उसे माफ करते हुए कहता है कि तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। दोनों फिर मिलकर प्लान बना रहे होते हैं कि आखिरकार वो सिविल स्पिरिट को कैसे हरा सकते हैं। डॉसिम के पास बहुत सारे ऐसे वेपन्स थे ग्रैनी के, जिन्हें उन्होंने स्पेल कर रखा हुआ था, और वो उसका यूज सारी इविल स्पिरिट को मारने के लिए और उन्हें वहां से भगाने के लिए करती थी। वो लोग अपने सारे स्पेशल वेपन निकाल रहे होते हैं, जहां पर जू और सुहा भी पहुंच जाते हैं। सुहा भी उनकी हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि आखिरकार डॉसिम ने उसकी जान जो बचाई थी। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद वो लोग उस डार्क स्पिरिट से लड़ रहे होते हैं। दोस्तों ये वही सीन है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। डार्क स्पिरिट और उन चारों स्टूडेंट्स के बीच जबरदस्त फाइट होती है। सुहा और जू भी उसे लड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो तो उन्हें भी हरा देती है, जिसके बाद वो वॉन्जो और डॉसिम को भी यहाँ वहाँ हर जगह पटक पटक कर मार रही होती है। वॉन्जो और डॉसिम साथ में एक स्पेल बोलते हैं, जिससे कि वो रू थोड़ी देर के लिए वीक हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जहाँ पर तभी प्रिंसिपल पहुँच जाते हैं, डॉसिम को बोलते हैं कि सारी फसाद की जड़ तुम हो, तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है। ये बोलकर वो उसके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वॉन्जो पहुँच जाता है और डॉसिम को बचा लेता है। डिसबैलेंस होने की वजह से प्रिंसिपल भी स्टेयर से नीचे आकर गिर जाते हैं। डॉसिम और वॉन्जो के पास आते हैं, वो उनसे बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ फाइनली गाइस ये राज रिवील होता है कि आखिरकार उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया था। जहाँ पर फिर ये पता चलता है कि सालों पहले सोंगयंग स्कूल कोरिया के वर्ल्ड स्कूल में काउंट होता था। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में नहीं करवाना चाहता था। स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चे बहुत ज्यादा वीक थे, जिनके ग्रेड्स हमेशा लो आते थे, जिससे कि उनके स्कूल की बहुत ज्यादा बदनामी होती थी, और उससे ज्यादा स्कूल के प्रिंसिपल का मजाक उड़ाया जाता था और उनकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई थी, जिसके बाद से उन्होंने डार्क और इविल स्पिरिट के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह स्टार्ट कर दी थी, जिसमें उन्हें काफी इंटरेस्ट भी आने लग गया था, और एक दिन वो डार्क स्पिरिट उनको मिल गई थी। जैसे कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ऐसे ही यहाँ इस स्टोरी में भी हो रहा था। उस डार्क स्पिरिट ने प्रिंसिपल के साथ ये डील की थी कि वो जो चाहता है वो सब कुछ उसे मिल जाएगा, सारी रेपुटेशन, वेल्थ एंड रिस्पेक्ट, एवरीथिंग। लेकिन उसके लिए उसे ग्रैनी को मरवाना होगा, क्योंकि ग्रैनी एक शमन थी जो कि उस स्पिरिट की सबसे बड़ी दुश्मन थी, और इसीलिए उन्होंने ग्रैनी को मार दिया था, जिसके बाद से वो डार्क स्पिरिट उनके कंट्रोल में हो गई थी, जिसकी हेल्प से वो सारे लो रैंकिंग वाले बच्चों को मरवा दिया करते थे, जिससे कि उनका स्कूल नंबर वन बन जाए और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं वो हाई रैंकिंग वाले हों। सब कुछ सचाने के बाद डॉसिम उनसे बोलती है कि आपने उन सारे मासूम बच्चों को मरवा दिया, जिनका इन सब में कोई कसूर ही नहीं था। सब कुछ सोचने और समझने के बाद प्रिंसिपल को भी अपनी गलती का धीरे धीरे एहसास होने लग गया था, और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं, जो कि मरने से पहले माफी मांग रहे होते हैं, और डॉसिम को उस इविल स्पिरिट को पकड़ने का बॉक्स देकर वहीं मर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर उस डेमन स्पिरिट ने जू को अपने वश में कर लिया था, जो कि बस बिल्डिंग से कूदने वाली होती है, लेकिन तभी वॉन्जू आकर उसे रोक लेता है। वो डेमन स्पिरिट वहां से ट्रांसफर होकर सीधा वॉन्जू के अंदर पहुंच जाती है। वॉन्जू बहुत दुखी होता है, वो रोने लग जाता है, बोलता है कि मैं भी अब शायद मरने वाला हूं। लेकिन डॉसिम ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, बोलती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, और वहाँ पर स्पेल बोलने लग जाती है, जिससे कि डेमन स्पिरिट वॉन्जो के अंदर से तो निकल जाती है, लेकिन दोबारा वो इन सब पर हावी होने लग जाती है। सबके बीच में जबरदस्त फाइट चल रही होती है, वो लोग उसे हरा नहीं पा रहे थे, और वो डेमन स्पिरिट उन सब पर भारी पड़ रही होती है। जहाँ तभी ग्रैनी की स्पिरिट आ जाती है, जो कि डेमन स्पिरिट से लड़ने लग जाती है, और अब ग्रैनी की स्पिरिट
डीमन स्पीड पर भारी पड़ रही होती है, जहाँ सब लोग साथ में स्पेल बोलते हैं और फाइनली डोशिम फिर उस डार्क स्पिरिट को वही उसी बॉक्स में कैद कर लेती है और उसे एक्स से जोर से मारकर तोड़ देती है, जिससे कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जाने से पहले ग्रहणी डोशिम और वोंजू दोनों को अपनी ब्लेसिंग दे रही होती है, साथ ही बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली तुम अब एक बहुत ही अच्छी शमन बन चुकी हो। सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है। नामली भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। डीमन स्पिरिट के पूरी तरह से खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट्स की आत्माएं भी छूट चुकी थी, जिसमें सैंग की आत्मा भी शामिल थी, और वो फाइनली अपनी मॉम से मिलती है और बहुत ज्यादा खुश होकर वहाँ से वो भी चली जाती है। वहीं डोशिम भी ये सब कुछ होने के बाद शहर छोड़कर वहाँ से जा रही होती है। वोंजू भी उसे रास्ते में मिलता है, उसे रोकते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं एक स्कूल टॉपर हूँ और ये भी जानता हूँ कि फ्यूचर में मुझे एक अच्छा यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगा, जिसके बाद शायद मेरी एक बहुत ही अच्छी जॉब होगी, लेकिन मैं ये आम जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो भी काम तुम करती हो उन सब में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ और उन सब स्पिरिट्स की हेल्प करना चाहता हूँ जो कि मजबूर हैं और न्याय पाना चाहती हैं। दोनों की प्यारी प्यारी बातें चली रही होती हैं। उसकी बातें सुनकर डोशिम तो बहुत ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि यहाँ पर वोंजू उसके सामने अपना लव कन्फेशन जो कर रहा था। सो गाइस, इसी के साथ इस कहानी का दी एंड हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी और साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा या नहीं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का लुफ्त उठाना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस की एक्सप्लेनेशन आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लेकर आती रहूंगी।